पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये हम सभी यूज करते हैं जब भी हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना होता है या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना होता है या जहाँ पर भी हमें पाई का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं। अब देखा जाए पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है पाई का दैट इज 3.141592 एंड सो ऑन। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, प्लस इट इज नॉन रिकरिंग, मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो रिपीट नहीं होने वाला है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, दे आर इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर 22/7 जो है इसका अगर आप डेसिमल एक्सपांशन निकालो सो इट इज 3.142857 बाव। तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ नंबर जो है 142857 जो है ये रिपीट होने वाला है। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो वो नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। यस, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि 22/7। सो दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ p बाय क्यू। यस, तो p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एनी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्मेट ऑफ p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। यस, तो हम कौन से नंबर्स p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, वहाँ ग्रुप ऑफ नंबर्स या पर्टिकुलर सिंगल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है तो भी वो नंबर्स को हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है ऐसे नंबर्स को हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। यस, तो यहाँ पर पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? सो दे आर नॉट इक्वल। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब पाई का वैल्यू जो है 3.14, अगर आफ्टर डेसिमल प्लेस दो वैल्यू तक अगर हम ध्यान दें तो इट्स 3.14 एंड 22/7 का भी वैल्यू जो है वो 3.14 है। यस, तो दो डेसिमल प्लेस तक जो वैल्यू है वो सेम है। यस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एज अ अप्रोक्सीमेशन के लिए, मतलब हमारा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, बट दैट इज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वो क्या है? अप्रोक्सीमेट। आप ये नहीं बोल सकते कि पाई जो है वो एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल है, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पाई जो है 22/7 के इक्वल जो हम ले रहे हैं वो एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले रहे हैं, वो हम हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी बनाने के लिए और थोड़ा सा मतलब एक्यूरेट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, मतलब वो क्योंकि हम यहाँ पर 3.14 तक ही ले रहे हैं ना, 3.14 दो डेसिमल प्लेस तक, तो हमारा वो एक्यूरेसी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट दैट इज़ मोर देन इनफ। हम जो नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में यूज़ करते हैं, जो एरिया कैलकुलेट करते हैं या सर्कमफेरेंस, दैट इज़ मोर देन इनफ। दो डेसिमल प्लेस तक भी अगर हम वैल्यूज़ एक्यूरेट यूज़ करके कैलकुलेट करें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अंडरस्टूड? तो आपके दिमाग में ये नहीं रखना है कि पाई जो है वो एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल होगा। अंडरस्टूड? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, एक जो है वो रैशनल है, दूसरा जो है वो इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड? तो दैट इज़ अ अप्रोक्सीमेशन, आप दिमाग में रखो, दे आर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, इसलिए हम यूज़ करते हैं हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो पाई इज इक्वल्स टू 22/7, आप जब भी बोलेंगे तो आप दिमाग में ये याद रखिए कि दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। यस, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। अंडरस्टूड? ओके, सो होप आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। तो आप कभी भी मत बोलिए कि दे आर एग्जैक्टली इक्वल। यस, यू कैन से दैट दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर एंड वी आर यूजिंग जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। यस, होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।